मध्य प्रदेश में पहली बार अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर कटनी की होनहार छात्रा अर्चना केवट को एक दिन का कटनी कलेक्टर बनाने का निर्णय कटनी कलेक्टर मयंक मिश्रा ने लिया है, जहां पर मध्य प्रदेश में पहली बार अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर कुछ नया देखने को मिलेगा। आपको बता दें कि कुछ दिन पूर्व अर्चना केवट ने कुछ मजनू लड़कों को सबक सिखाकर उन्हें हवालात का रास्ता दिखाया था। वहीं माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अर्चना केवट की सराहना की थी और 50,000 का पुरस्कार भी दिया था। 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर कटनी कलेक्टर मयंक मिश्रा ने यहां पर अर्चना केवट को एक दिन का कटनी जिले का कलेक्टर भी बनाने का निर्णय लिया। आपको बता दें कि 10 बजे से 8 मार्च को अर्चना को सांकेतिक रूप से कलेक्टर बनने का अवसर मिलेगा। अर्चना 8 मार्च को कटनी की एक दिन की कलेक्टर होंगी, जहां पर महिला बाल विकास विभाग द्वारा सीरो कार्यक्रम का आयोजन संपूर्ण प्रदेश में किया जा रहा है। इसका उद्देश्य महिला सशक्तिकरण की दिशा में महिलाओं का जागरूक करना है, जिसके तहत अर्चना को एक दिन का सांकेतिक रूप से कलेक्टर बनाया जा रहा है। इस दिन वे टाइम लिमिट की बैठक में और साथ ही में विभिन्न विभागों के कार्यों की समीक्षा करेंगी। साथ ही महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा आयोजित जिला स्तरीय कार्यक्रम शिरो में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगी। अर्चना विभिन्न शासकीय कार्यों को भी संभालेगी। अर्चना बतौर कलेक्टर सोमवार 8 मार्च को सुबह 10:30 बजे जिला पंचायत सभा कक्ष में समय सीमा की बैठक लेंगी। इसके बाद दोपहर 12 बजे ग्राम पंचायत चाका में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर आयोजित विशेष ग्राम सभा में शामिल होंगी। इसके बाद अर्चना अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के जिला स्तरीय कार्यक्रम में शामिल होने दोपहर 1 बजे बस स्टैंड स्थित ऑडिटोरियम पहुंचेंगी। दोपहर 3 बजे वन स्टॉप सेंटर का निरीक्षण और शाम 4 बजे बालिका गृह का निरीक्षण करेंगी। गौरतलब है कि अर्चना ने अपने साहस और निडरता के दम पर आपराधिक तत्वों का सामना करते हुए उन्हें सलाखों तक पहुँचाने का सराहनीय काम किया है। अर्चना ने बताया कि उसने कुछ दिन पूर्व मनचलों से 2 बच्चियों को बचाते हुए उन्हें पुलिस के हवाले कर दिया था। इसी बहादुरी के लिए मुख्यमंत्री ने भी अर्चना को सम्मानित किया है। और मैं मेहगांव की रहने वाली हूँ। मैं 12 तारीख दिन मंगलवार, 12 जनवरी की बात है, मैं कॉलेज गई थी और कॉलेज से लौटते वक्त वहाँ पे पेट्रोल पंप में एक प्रोग्राम चल रहा था महिला सशक्तिकरण, तो मैं कॉलेज से रिटर्न आते वक्त वहीं पे रुकी ऑटो स्टैंड में, वहाँ पे प्रोग्राम अटेंड किया। अटेंड करने के बाद फिर मैं बस मतलब लौट रही थी साइकिल से, रास्ते में देखा कि 4:30 या 5 के बीच की घटना है ये, और रिटर्न आ रही थी तभी मैंने देखा कि 2 बच्चियाँ हैं, तो वो डरी हुई थी और 2 लड़के थे बाइक से। बच्चियों की उम्र कितनी है? ये तो एक 8 क्लास में थी और एक 10th में थी, 15-16 साल। तो मैंने उनसे पूछा कि वो रोते हुए मेरे पास आई, मैं साइकिल से जा रही थी, रोते हुए आई, लेकिन मैंने पूछा उनसे कि गुड़िया क्या हुआ क्या नहीं हुआ, तो उसने बताया कि दीदी लड़के लोग उलझन हुई बातें कर रहे हैं और गाली। तो मैंने उन बच्चियों को समझाया, ठीक है चलो तुम मेरे साथ चलो। तो मैंने देखा लड़के लोग आगे ACC गेट के आगे खड़े हुए थे, तो वो आके डायरेक्टली मतलब हम लोग के सामने आ गए। मैंने उनको समझाने की कोशिश की पर तो वो लोग नहीं माने। तो मैंने बोला भैया आप ऐसा करते हो, आपको शर्म नहीं लगती, छोटी छोटी बच्चियां हैं? तो वो मुझसे ही गाली गलौज करने लगे, और जब मैंने मना किया तो एक लड़के ने मतलब पीछे से आके मेरे को धक्का दिया, तो मैंने उसको मारने की कोशिश की, तो 2 लड़के थे तो एक ने मेरा पीछे से हाथ पकड़ लिया और एक ने मेरे बालाल खींचे, जिसकी वजह से मेरे चोट उठ आई। तो फिर वो 2 बच्चियाँ जो थी तो वो डर के मारे तो भाग गई। फिर वो आगे से कुछ भैया लोग थे उनसे हेल्प ली और फिर गांव के सभी लोग आ गए, आगे सब वापस आए, फिर पुलिस को बुलाया, इन्फॉर्म करके बुला के उनको वापस आए, उसके बाद उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई। आज आपको CM के द्वारा विशेष सम्मान भी दिया गया है, इसमें आपको किस तरह से महसूस हो रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है और मैं बता नहीं सकती कि मैं कितनी खुश हूँ। कहाँ क्या कहा CM साहब ने आपको? कहा अगर तुम्हें कुछ आर्थिक सहायता चाहिए तो हम देंगे, और तुम्हें किसी भी तरह की हेल्प चाहिए तो हम सपोर्ट करेंगे। CM साहब ने आपसे अभी आपके भविष्य को लेके क्या बोला है? आपसे बात हुई है तो आपके भविष्य को लेकर भी उन्होंने कुछ बोला है? जी नहीं, आगे तो मैं मतलब पढ़ाई कर रही हूँ, BA फाइनल कर रही हूँ, आगे
आप क्या करना चाहती हैं, क्या बनना चाहती हैं? मैं SI बनना चाहती हूँ, इसके लिए मैंने पुलिस में फॉर्म भी डालने की कोशिश की, बट कुछ मतलब मेरे डॉक्यूमेंट्स में कमी होने की वजह से मेरा फॉर्म नहीं सिलेक्ट हो पाया। अर्चना, आपकी उम्र क्या है अभी? मैं 21 साल की हो गई अभी 4 फरवरी से। ब्यूरो रिपोर्ट, वॉइस ऑफ राइट्स।